देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं सबसे बड़े चुनाव की। जी हाँ, सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले साल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं बल्कि विधानसभा की सीटें भी ज्यादा हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसने कर ली, जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ, उसका रास्ता दिल्ली के लिए खुलता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी अहम है कि इससे इस राजनीति इस यहाँ पर सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। अब हम बात करेंगे यूपी चुनाव का समीकरण क्या कहता है और प्रियंका गांधी की राजनीति क्या कहती है। काफी समय से प्रियंका गांधी यूपी पर एक्टिव है। यूपी में जिस तरह एक एक मुद्दे को अभी तक प्रियंका ने उठाया है, प्रियंका उत्तर प्रदेश की जनता को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर का नाम भी सामने आता है। जी हाँ, वो प्रशांत किशोर जिनकी चुनावी रणनीति कभी विफल साबित नहीं होती। और अगर इस बार भी प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति काम करती है तो शायद बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि प्रशांत किशोर क्या इस बार प्रियंका के साथ है। साल 2017 में प्रियंका के साथ प्रशांत किशोर थे। राहुल गांधी की एक गलती की वजह से यूपी चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। गलती राहुल ने अखिलेश के साथ गठबंधन करने का जो ऐलान किया, पार्टी पूरी तरह छितर बितर हो गई। नुकसान समाजवादी को भी हुआ, कांग्रेस को इस बार अलग स्थिति है। कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करना चाहता, इसीलिए प्रियंका गांधी ने बहुत पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता पर दांव चलकर ये बता दिया प्रियंका ने कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अगर अपनाना पड़ता है तो वो भी अपनाया जाएगा। जनता को अपनी तरफ करने के लिए अगर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं तो वो भी किए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटें तो निकाल कर रहेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने में पूरी जी जान लगा देगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि अगर देखा जाए तो हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नजदीकियां कांग्रेस से जिस तरह बढ़ी थी, उसके बाद ये खबर सामने आई कि प्रशांत किशोर इस बार प्रियंका गांधी की मदद यूपी चुनाव जीतने में करेंगे। प्रियंका की जो राजनीति है वो तो चल ही रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति कभी भी खाली नहीं जाती। इसका सीधा साधा उदाहरण पश्चिम बंगाल का चुनाव ले लीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कितनी बड़ी बड़ी रैलियां की, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर गए, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति को कोई भेद नहीं पाया। प्रशांत किशोर ने ऐसा चक्रव्यूह रचा, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता धराशाही हो गए। वो ना तो चुनाव जीतने पर कोई काम कर पाए और ना चुनाव को लेकर कोई रणनीति बना पाए। ऐसे में जीत पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हुई। यानी कि अगर देखा जाए तो बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की अहमियत तो और ज्यादा बड़ी हो गई। यही वजह है कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का सहारा लेने का फैसला कर लिया। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि किस तरह से हालात से कांग्रेस गुजर रही है। कांग्रेस काफी हद तक टूट चुकी है और यूपी चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर वो प्रियंका की मदद यूपी चुनाव जीतने में कर सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर प्रियंका के साथ खड़े होते हैं तो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा और कई सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। वो आप समझिए इस तरह से, प्रशांत किशोर ये बात जानते हैं कि कांग्रेस को किन मुद्दों को उठाना है और किन मुद्दों पर काम करना है और किन का ऐलान करना है, किन का ऐलान नहीं करना है। यानी बहुत सदी हुई राजनीति प्रशांत किशोर करते हैं, इसीलिए राजनीति का चाणक्य प्रशांत किशोर को कहा जाता है। प्रशांत किशोर की एक रणनीति पार्टी को फर्श से अर्श पर ला देती है। यानी कि प्रशांत किशोर जो है वो जो रणनीति बनाते हैं वो कभी खाली नहीं जाती।
ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ना सिर्फ कांग्रेस की साख दांव पर लगी है बल्कि प्रियंका गांधी की राजनीति पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारती है, कांग्रेस सीटें नहीं निकालती है, तो प्रियंका के राजनीतिक कैरियर पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसका सीधा सीधा असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर तो पड़ेगा, इसके साथ ही साथ आगामी समय के कई विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसलिए प्रियंका किसी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती और बहुत सोच समझकर काम कर रही है। हालांकि अगर बात करें बीते कुछ समय पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की जो हालत रही, कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा बेहद ही खराब रहा। इसको देखते हुए प्रियंका और राहुल तो ये समझ गए कि अगर चुनाव जीतना है तो केवल रैली करके और 2-4 बात करके तो नहीं हो पाएगा। चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी और रणनीति बनाने का काम कौन करते हैं? प्रशांत किशोर। यानी कि अब प्रशांत किशोर ही कांग्रेस का सहारा है। अगर प्रशांत किशोर की रणनीति पर कांग्रेस काम करती है तो शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सीटें तो निकाल ही लेगी, साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी करिश्माई हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर इस वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह के मौजूदा हालात बन रहे हैं ये बताता है कि प्रियंका यूपी चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा चुकी हैं, बड़े बड़े फेरबदल कर चुकी हैं और जनता को, महिलाओं को, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी खुद एक महिला चेहरा है और महिलाओं पर पूरा फोकस बताता है कि प्रियंका महिलाओं को अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल इसमें यह भी बनेगा कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है और ये सस्पेंस कब तक रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल करने की कोशिश में प्रियंका लगी है। अगर देखा जाए तो शायद चुनाव से कुछ चंद समय पहले प्रियंका ये ऐलान भी कर सकती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत ज्यादा अलग होगी। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्या करिश्मा करती है और कितने सीटें निकालती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।